बहुत दिनों का बाद देखा है कि ये जो हमारा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का डायरेक्शन से हमारा कॉरपोरेटर लोग वॉलंटियर्स यहाँ अपना अपना वार्ड में साफ सफाई कर रहा है। कल से ये मुहिम जारी किया गया है कि हमारा जो सेक्टर कॉलोनी और ईटानगर में बहुत से लोग ड्रग एडिक्ट होके बैठा है। ऑलमोस्ट सभी फैमिली का रिलेटिव्स, फैमिली का कोई सदस्य ड्रग एडिक्टेड है। इसको लेके चीफ मिनिस्टर बहुत चिंतित है और सभी डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ भी वो जाता है इसको वो ये संदेश देता है कि हम समाज में जो भी ड्रग एडिक्टेड है उनको मदद करना है। इसको लेके काम हम लोग काल से लगा हुआ है। ये हमारा औरन भूमि का चैनल के माध्यम से और हम ये मैसेज दे रहे हैं। हमारा डीसी साहब, हमारा कैपिटल डीसी तालाब पुतुल सर आया है। ऐसे ही हम लोग सपोर्ट चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे ही होना है, एकदम अच्छा से हम लोग को साथ दे रहा है। असली में ये काम कल ही हम लोग सोच रहे थे, माता आज ही हम लोग कर रहे हैं। स्पेशली ये जो अभी ड्रग्स एडिक्ट के बारे में हम लोग, हमारा लोअर सी 70 वार्ड नंबर 10 का हम लोग ऐसे बनाया है कि वार्ड नंबर 7 से भी हम लोग लिया है। हम लोग जो सीनियर सिटीजन लोग को लिया है, वॉलंटियर सिर्फ नहीं है, हम लोग यहाँ पार्क में ही सबको हम लोग अवेयरनेस देते हैं। आपका बच्चा को समझाइए बुझाइए, पार्क में आके ये ड्रग्स मत लीजिए बोल के हमको समझा रहा है। और हम वही है कि हम लोग समझा के रात को हम लोग पेट्रोलिंग जाता है पुलिस के साथ में, और हमारा वार्ड नंबर 7 से भी जाता है, हम लोग 10 से भी जाता है। हम लोग पेट्रोलिंग जाके हम लोग पूरा ये रात को कपल्स लोग भी रहता है उसको भी हम लोग मना किया, आप कपल्स भी लेके आइए लेकिन समय पर आप चला जाइए रात को। हाँ, तो ऐसे बोल के और शोर शराबा पीने वाला और हमारा बुजुर्ग लोग है स्पेशली ये वॉकिंग जाता है उसको ही सब डिस्टर्ब होता है और उसको बुजुर्ग को और लूटपाट भी होता है। इसलिए हम लोग, हमारा डीसी साहब का हिसाब से हम लोग उसका सजेशन का हिसाब से हम लोग रात को पेट्रोलिंग जाता है और ड्रग्स एडिक्ट वाला को हम लोग पकड़ के ताना ले गया। और अभी ये पार्क में कम हो गया। हमारा डीसी साहब, हमारा एसपी साहब लोग हम लोग को सपोर्ट फुल सपोर्ट दिया, इसलिए अभी हम कार्ड नहीं लाया, हम लोग कार्ड बनाया है, वॉलंटियर कार्ड बनाया है, कार्ड हम लोग ये ऐसे बनाया है, कार्ड में ऐसे है। यहाँ में हमारा कॉपरेटर मैडम का साइन है, मैं वार्ड मेंबर साइन है, पीछे में हमारा पुलिस ओसी साहब का साइन है, पूरा हम लोग ऐसे बनाया है। तो ऐसे बना के हम लोग पूरा रात को पेट्रोलिंग जाता है। तो इसलिए ड्रग वाला अभी हम लोग का वार्ड नंबर 10 में कम हो गया एकदम, माने हम लोग जहाँ भी मिलेंगे पकड़ेगा। और इसलिए सबको अनुरोध है कि आप बाल बच्चा को ड्रग्स पीने वाला को हमारा डीसी साहब जिससे सजेशन दिया है, आप लोग अपना से ही कंट्रोल करना है ना। अपना से कंट्रोल होने से तभी हम लोग का देश सुधरेगा, अरुणाचल सुधरेगा। और अभी अभी जो पीछे में ये जो लिखा है, हमारा आई लव माई अरुणाचल, ये हमारा चीफ सेक्रेटरी का बोला है, हमारा डीसी साहब बताया है, इसका संदेश है, इसलिए इसको हम लोग पालन करके जाना है। थैंक यू। सबसे पहले आज के कैपिटल डीसी और
अपेद के डायरेक्टर ईएसी और हम लोग अपेदा के यही मैडम पी डब्ल्यू डी जे सब भी आया है और जितना भी वार्ड मेंबर आज हम लोग जितना आया हुआ है वो थैंक यू। अपेदा में कुछ दिन का बाद में ये सीएम साहब कुछ उद्घाटन करने वाला है हम लोग का चिल्ड्रेन बच्चा खेलने की जगह को, इसलिए हम लोग थोड़ा सोचा है कि इसमें हम लोग थोड़ा विजिट भी करेगा और थोड़ा सोशल सर्विस कर देगा बोल के वही हम लोग आज ही मन से कर रखा है। इसलिए हम लोग जितना वार्ड मेंबर प्लस ड्रेस जो हम लोग को तार्तिक पीस ड्रेस मिला था वही तार्तिक का तार्तिक सिर्फ आया है तो पब्लिक को नहीं बोला है सर हम लोग का वही आप लोग को बोलने का। आई जी पर वार्ड नंबर 10 जो ऐसे है कि कैपिटल टुमटी कोटपड़तर अंदर से सबसे हाईएस्ट जगह है, भरा है और इम्पोर्टेंट भी है देखा है तो अभी आप सर दोनों को भी हम दिखाया है ये वर्ल्ड का वजह से बच्चा द्रग्स पीने वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग आके रात भर बैठता है, हम लोग पेट्रोलिंग कर कर के पुलिस भी काफ़ी हम लोग का साथ दिया ऐसे करके हम लोग उसको थोड़ा ध्यान दे के हम क्या बोलते हैं एक तो सोलर पेंचिंग डाल देने से क्या होगा कि पार करने नहीं सकेगा। अभी पार करके देखा है तो कल रात को भी हम लोग यहाँ में भगाया लड़का लड़की लोगों को भी ड्रग्स पीने वाला ड्रग्स इंजेक्शन आपका और नदी पानी अंदर में अभी इसमें इंजेक्शन मिलेगा बहुत वह पिके रखने वाला उसको आप अभी भी कल किसी दिन में भी आप देखने सफा करने से मिल जाएगा। इसलिए हम देखा है तो कितना हम लोग भगाते रहेगा कितना जब से हम अभी मेरा 8 महीना हो गया हम लोग का कॉर्पोरेटर शुरू हम बहुत भाषणबाजी में विश्वास नहीं करते हैं काम में विश्वास करते हैं और आज यहाँ आया आप लोगों का साथ इसलिए आया कि एक चीज़ है सिर्फ एक मुद्दा है वो हमारा सरकार चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा जो चीफ सेक्रेटरी उनका डायरेक्शन है कि ईटानगर को साफ और सुंदर रखे और ग्रीनरी रखे और हमारा जो भी यहाँ लोग रहते हैं वो ड्रग का सेवन ना करें उसको लेके हमें डायरेक्शन देने का मकसद तो यही था कि हमारा कॉरपोरेटर लोग और उनके जो लोग हैं वो लोग अगर पार्टिसिपेट करता है इस मुहिम में तो ज़रूर हम लोग सक्सेस होंगे। और आप वार्ड मेंबर और कॉरपोरेटर जैसे जैसे बात किया मैं उसका बारे में सपना मेरा दिमाग चलते गया देखते गया कि सचमुच का आपका जो ज्यूरिडिक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्यूरिडिक्शन है जहां चीफ मिनिस्टर का घर है डीसी का घर है ऐसे जगह जहां आईजी पार्क है अपेदा का जो ऑफिस और उसका साथ में एनर्जी पार्क है तो आप लोगों को जैसे इम्पोर्टेंट जगह में है और इम्पोर्टेंट वार्ड मेंबर है इम्पोर्टेंट कॉरपोरेटर है इम्पोर्टेंट सिटीजन है तो आप लोगों को ही इस इम्पोर्टेंट को एकदम उसको बनाए रखना आप लोग का ड्यूटी है आप लोग का कर्तव्य है। और अभी बहुत से चीज़ आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट है पानी टंकी में गंदा है बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे करके नाला का बारे में बोला बहुत इम्पोर्टेंट है रास्ता बहुत खराब है वो भी इम्पोर्टेंट है आपने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोला जिसको सरकार भी बोलेगा कि ये गलत बोला है। तो आज का जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये साफ ईटानगर को साफ सफाई रखना है और आप लोग कॉरपोरेटर लोग आईएमसी लोग काम अच्छा से कर रहा है फिर भी सरकार को ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इन लोग का साथ में सहयोग करो मोटिवेट करो और कहीं ऐसे प्रॉब्लम है वहाँ हम भी आ सकते हैं। आप लोग ईटानगर सुंदर हम बोलेगा आप लोग ईटानगर ऐसा करके हम लोग चिल्लाते हैं ये आवाज़ पूरा सी एस और सी एम का घर में पहुँचना चाहिए आज जो लोग संडे है बैठा हुआ है उसका बाद आई लव बोलने से माय अरुणाचल बोलेगा तो हम बोलेंगे से नो टू बोलेगा से नो टू ड्रग्स आप लोग बोलेगा ठीक है चलो सात सुंदर सात सुंदर सात सुंदर आई
एडिक्ट से कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसके पीछे ड्रग्स क्या चीज है, हम जानेंगे हमारे ओली को स्टेट नॉर्दर्न ऑफिसर नरकोटिक। सो प्लीज वेलकम सर। तो एट द वेरी आउटसाइड ऑफ माय करियर, सॉरी माय स्पीच, विद ड्यू परमिशन फ्रॉम चेयर और रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर आपेदा एंड ये सी सर और कॉर्पोरेटर मैम, तो इस बेसिस में इसमें जो आपको स्वस्थ हेल्दी एंड क्लीन वो बोलने से हेल्दी ईटानगर हेल्दी अरुणाचल बोलने से हेल्दी में एनवायरमेंट आता है, हमारा स्वास्थ्य आता है, हमारा रहन सहन आता है और हमारा हेल्थ सबसे पहले आता है। तो हेल्थ नहीं है तो आपका अगल बगल भी आप कैसे साफ करके रखेगा, आपका सोसाइटी कैसे चलेगा, आपका फैमिली कैसे चलेगा, आपके बच्चे को आप कैसे परवरिश करेंगे। तो हेल्थ जो है ये आपका क्लिनिकल या मैं डायग्नोसिस में अगर हम बोले तो बहुत ये में आता है, लेकिन सोशल एंड हेल्थ में जो रिलेटेड होता है ये ड्रग्स है। तो यूज़ का इशू क्या है, एक पियर साइकोसिस होता है कि और एक एक्साइटमेंट होता है कि अरे ऐसे आइडल बैठा हुआ है, चलो ये ड्रग्स क्या है, ब्राउन शुगर हीरोइन सुनने में बहुत वाला लगता है, ब्राउन शुगर है, हीरोइन है, ओपियम है, कानी है, गांजा है, चरस है, अलग अलग हैश है, अलग अलग किस्म का सुनने में भी एक एज होता है, उसको सुन के भी कोई भी एक्साइट होता है, हैश हैश मतलब क्या है, तो उसको चलो ट्राई करके देखते हैं। ये कोई पैनिक में या कोई स्ट्रेस में आके उन लोग ट्राई नहीं करता है, उन लोग का एज ही ऐसा है कि उस समय उन लोग कुछ कुछ चीज़ शायद आप लोग भी आप जो 14 ईयर्स टू 21 ईयर्स था, हम लोग का तो और भी होता है, हम लोग शायद 21 ईयर्स तक ही हम लोग एक्साइटिंग स्टेज में था, तो उसमें उन लोग ये हम लोग का जो सोसाइटी इस साल अभी ट्रांजिट पीरियड में है, माँ पिता जी समय नहीं दे रहा है, बच्चा इसमें उसमें एक्साइट होकर ट्राई करने का कोशिश में है। तो मैं बच्चा लोग को ये बोलूँगा कि ये ड्रग्स एडिक्शन ड्रग्स जो है उसमें कोई थ्रिल करने का चीज़ नहीं है, ये जो है अगर आप नर्वस सिस्टम में चला गया, आप एक बार कोशिश करेगा सोचेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको कैनाबिस बोलता है, जो कैनाबिस का प्रोडक्ट होता है उसमें सरस है, आपका गंजा है, अलग अलग का प्रोडक्ट है, फिर उसमें ओपियम बोलने से ओपियम का ओपियड है, उसमें अलग अलग किस्म का प्रोडक्ट है, ब्राउन शुगर है अलग का, फिर हेरोइन है, फिर खानी है, रो ओपियम है, तो वो सब खा के डेफिनेटली आपको कुछ समय तक आपको अच्छा लगेगा, कुछ ऐसे लगेगा कि जैसे कि हमको कैसे कैसे आपका जो उठा हुआ जैसे लगेगा या आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस लगेगा ये करेगा, लेकिन ये चीज़ जो है दो बार आप करने के बाद आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, हर समय आप उसी चीज़ को उसी मोमेंट को आप मिस करते करते आपका दोस्त उसमें चला जाके आपका जो नर्वस सिस्टम में जो हम लोग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये नार्कोटिक्स एंड साइक्लोट्रोपिक सब्सटेंस ही ऐसा सब्सटेंस है जो आपका टोटल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। एल्कोहलिक का जो एडिक्शन है उस लेवल पे नहीं है, एल्कोहलिक लीवर और अलग ये में इफेक्ट होता है, ये जो टोटल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, तो आपका जो आपका माँ पिताजी इतना तकलीफ से आपको पढ़ाया लिखाया उठाया और एक बच्चा को जब एक माँ पिताजी मिलता है कितना खुश होता है, अंत मीन्स किसी को बता नहीं सकता है कि हम दोनों का प्यार से एक बच्चा निकला है, दो बच्चा निकला, उसको रात का 12 बजे 1 बजे जब इतना ठंड होता है सर्दी होता है उस समय सब लोग सोता है, लेकिन माँ जो है एक मच्छर का आवाज़ भी सुनता है अपने लिए नहीं सोचता है, अभी देखो अभी माँ भी पिताजी भी अगर सोएगा मच्छर का आवाज़ सोएगा तो सिर्फ वो सोने से सो जाएगा वो, लेकिन साथ में उसका बच्चा है वो कभी नहीं सोएगा, रात का 1 बजे को भी वो उठ के वो मच्छर का पीछे में पड़ेगा कि ताकि ये एक छोटा सा मच्छर मेरा बच्चा के ऊपर पिंप ना करे, ये फीलिंग्स होता है माँ पिताजी का, उस फीलिंग्स को कितना तुम्हारा पढ़ाई लिखाई के लिए खुद नहीं पहन के खुद नहीं खा के खुद नहीं सो के थोड़ा और पैसा कमाएगा, तो माँ पिताजी ऐसा करके आपको उस स्टेज तक आया तो आके आपको ये ड्रग्स का इस एक लात में आपका जो एडिक्शन है जब आपको नर्वस सिस्टम में कंट्रोल करने लग जाएगा, एक हेरोइन का 5 मिलीग्राम आपका 10,000 15,000 20,000 का ऊपर है, उस पैसा के लिए अगर आपको माँ पिताजी से नहीं मिलेगा आपको ऐसे भी स्टेज आएगा आप अपना माँ पिताजी के ऊपर ही ऐसा कुछ काम करके बैठेगा जो बिल्कुल आप भी खुद को समझ ही नहीं पाएगा और आप अपना को जिंदगी में भी माफ नहीं कर पाएगा।